आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 3, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर। दोस्त, सबसे पहले इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि आप लोग का जो बुक है वो चेंज हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट को ही पता ये बात नहीं है, और आपके मार्केट में भी अभी बुक आया नहीं है। जब भी आपको बुक खरीदना होगा, मार्केट में जाइएगा बुक स्टोर पर, तो आप लोग उसको देखिएगा कि हमारा नया बुक है या पुराना बुक है। देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3.1 आज हम लोग पढ़ेंगे, और 3.1 में पहले वाले जो बुक था उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ना था। लेकिन जो नए वाला बुक आया है, देखो 3.1, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 ही क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, और नए बुक के ही अकॉर्डिंग आप लोग का एग्जाम भी होने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे टीचर बोल रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं आया है, नहीं चेंज हुआ है। जिनको पता नहीं है वो ऐसा बोल रहे हैं, जिनको पता है जरूर बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तो इतना निश्चिंत हो जाओ कि आप लोग का बुक जो है चेंज हो गया है। ठीक है, अब बहुत कम क्वेश्चन पढ़ना है पहले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए आज के हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 3.1 में क्या क्या यूज है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटरल में सबसे पहले आता है कि प्लेन कर्व किसे बोलते हैं, प्लेन कर्व कैसा होता है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्लेन कर्व को हम लोग सिंपल कर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्लेन कर्व को सिंपल कर्व भी बोल सकते हैं। तो प्लेन कर्व का मतलब होता है, देखो इस तरह का जो ये बक्स बना है, ये क्या है, एक प्लेन कर्व है। ठीक है, ऐसे ही ये देखो, ये जो है एक प्लेन कर्व है। ऐसे ही देखो, ये भी एक प्लेन कर्व है। ये भी देखो, एक प्लेन कर्व है। प्लेन कर्व में देखो क्या होता है कि जब भी मान लो हम यहाँ से इसको ड्रॉ करने चले, तो ये जो फिंगर है ये उठना नहीं चाहिए। ठीक है, इस फिंगर को उठाना नहीं चाहिए, उसको हम लोग प्लेन कर्व या सिंपल कर्व बोलेंगे। ठीक है, अगला है ओपन कर्व। ओपन कर्व में क्या होता है कि आपको जैसे ये वाला चीज़ दिख रहा है ना, ये ओपन कर्व है। क्यों ओपन कर्व है, क्योंकि देखो यहाँ पर खाली है। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन कर्व। ओपन कर्व इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, ओपन कर्व है। ऐसे ही और ओपन कर्व बना लो, जो यहाँ पर देखो यहाँ पर लाइन सेगमेंट नहीं है और एक खाली है, इसे हम लोग ओपन कर्व बोलेंगे। इसको भी हम लोग ओपन कर्व ही बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोज कर्व आ गया। क्लोज कर्व में क्या होता है, जो यहाँ पर एक खाली दिख रहा है ना, वो क्या होगा, इस बार वो बंद रहेगा, यानी क्लोज रहेगा। तो देखो इस तरह से, देखो क्लोज हो गया, एक क्लोज कर्व हो गया। ठीक है, इस तरह से ये देखो क्लोज कर्व हो गया। ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए कि प्लेन कर्व जो होता है, प्लेन कर्व को सिंपल कर्व भी बोलते हैं। जब आप यहाँ से इसको लाइन को, यानी इसको हम ड्रॉ करने चले, तो आपका जो फिंगर है वो उठना नहीं चाहिए। ठीक है, और ये बंद भी रहता है, यानी क्लोज भी रहता है, ओपन भी रहता है, लेकिन आपका जो फिंगर है वो उठना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन कर्व। ठीक है, ओपन कर्व समझ गए, उसका मुंह क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, क्लोज में क्या होता है, वो पूरे तरफ से कर्व रहता है, यानी क्लोज रहता है। ठीक है, अब मेन है पॉलीगंस। अब पॉलीगंस का देखो डिफिनेशन होता है, ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप टू ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। देखो, एक तो ये सिंपल जो अपने प्लेन कर्व बोलो बोला उसको हम लोग सिंपल कर्व बोलते हैं। ठीक है, एक तो पॉलीगन होने के लिए एक सिंपल कर्व तो होगा, वो भी क्लोज। ठीक है, और साथ में ओनली वो लाइन सेगमेंट से बना होगा। जैसे ये तो देखो लाइन सेगमेंट से बना है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। ठीक है, इस तरह से पॉलीगन का यहाँ पर डिफिनेशन लिख देते हैं कि ए सिंपल, ये सिंपल क्लॉज कर्व मेड ऑफ वनली वनली लाइन सेगमेंट, वनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन, ए पॉलीगन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगन। तो पॉलीगन होता कैसा है, देखो
ये पॉलीगन है, ठीक है, ये पॉलीगन है, ठीक है, ये देखो ये पॉलीगन है। पॉलीगन का मतलब हुआ कि एक सिंपल कर्व तो होना ही चाहिए, साथ में ओनली लाइन सेगमेंट से बना है। ये देखो ये सब क्या बना है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट का यूज किया गया है, ठीक है, तो लाइन सेगमेंट से होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एक सिंपल कर्व होना चाहिए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पॉलीगन बोलेंगे, ठीक है। अब एक इसी में कंडीशन आता है कि पॉलीगन तो समझ गए, अब नॉट पॉलीगन कब समझेंगे, तो पॉलीगन नहीं है इसके लिए कर्व्स डेट आर नॉट पॉलीगन, उसके लिए कुछ हम फिगर का उपयोग करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नॉट पॉलीगन कब होगा, देखो ये जो है ये नॉट पॉलीगन है, क्यों, लाइन सेगमेंट से तो बना है, साथ में कट भी कर दिया, ठीक है, मतलब जो लाइन सेगमेंट बनेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, लेकिन इसको देखो कट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और साथ में आपको क्या है, ये सिंपल कर्व है क्या, सिंपल कर्व नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर एक कट कर दिया, आपसे बोले ना कि ये जो फिंगर जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, यहाँ पर कट भी नहीं होना चाहिए, यानी इसको उठना भी नहीं चाहिए, ऐसा तो हो रहा है। उसी तरह ये भी देखिए, ये देखो ये तो फिगर नहीं उठा, लेकिन ये तो कट कर रहा है, यानी ये भी सिंपल कर्व नहीं है, लाइन सेगमेंट तो है लेकिन सिंपल कर्व नहीं है, क्यों, क्योंकि फिंगर तो नहीं उठा, लेकिन ये बीच में क्या हो रहा है, इससे कट कर जा रहा है, कट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये खाली हो गया, तो खाली हो गया तो फिर क्या बोलेंगे, नॉट पॉलीगन, यानी पॉलीगन नहीं है, पॉलीगन होने के लिए क्या होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, ठीक है, बातें समझ में आ रही है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोग को बातें समझ में और अच्छे से आने वाली है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 6 नंबर आपको जो पढ़ना है, नेम ऑफ पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड वर्टिसेस यहाँ पर दिया गया है, क्लासिफिकेशन दिया गया है और सिंपल फिगर दिया है, ठीक है। यहाँ इसका मतलब है ट्रायंगल में जो वर्टिसेस होता है, नंबर ऑफ साइड होते हैं 3 होते हैं, और इसका फिगर है, ये तो आपको सबको पता है, 3 क्लास 4 क्लास से ही, ठीक है। क्वाड्रेटल जिसमें 4 लाइन सेगमेंट है, जिसमें वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं, 4। पेंटागन, पेंटागन यानी इसमें 5 वर्टिसेस होता है, ठीक है। हेक्सागन 6 होता है, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोनागन 9, डेकागन 10, ऐसे ये चलते जाएगा, लेकिन आपको बता दें ये 10 तक ही काम है, और ये जो फिगर है ना, ये फिगर देखो बनाना सीख लो, ठीक है। हेप्टागन में ऐसा 7 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर देखो आपके बुक में दिया होगा, आप बुक आप देखना, आपके बुक में इस तरह से अच्छे से बनाया है, फिगर दिया है ना, ये सब नंबर ऑफ साइड हो गए, एक क्लासिफिकेशन हो गया और सिंपल फिगर हो गया। तो ट्रायंगल में 3 होता है वर्टिसेस, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नोनागन में 9, डेकागन में 10, ये वर्टिसेस होता है, जो कि आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, ये आगे भी आपको काम देगा, अभी क्लास 11 12 भी जाएंगे तो, ठीक है, केमिस्ट्री में काम देता है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ईजी भी है, इस तरह से फिगर बनाने तो आपको आ ही जाएगा, क्योंकि आप लोग फिगर बहुत अच्छे से बनाते हो, हमें फिगर नहीं बनाने आता इसके लिए सॉरी, बट आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। तो समझ गए ना, ट्राइंगल में 3, सब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी, ठीक है। अब है डाइगोनल्स, ठीक है, डाइगोनल्स क्या होते हैं इसको देखो, डाइगोनल्स में देखो जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, इसका नाम ए, ए बी, ए सी, ए डी, तो ये जो सी से बी जा रहा है ये डाइगोनल्स है, और ए से जो डी है इसी को हम लोग डाइगोनल्स बोलते हैं, क्या है, ये डाइगोनल्स है, और ए साइड का इक्वल है, और ए साइड का भी इक्वल है, यानी चारों साइड इक्वल है, और इनके जो बीच में ये बन रहा है इसी को हम लोग डाइगोनल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर किसको बोलते हैं, तो देखो सीधा सी बात है कि मान लो यहाँ पर कोई एक फिगर है, ठीक है, तो जब आप अंदर वाला का पेंटिंग करोगे, अंदर वाला का, अंदर वाला में जो काम होगा इसको हम लोग इंटीरियर बोलते हैं, ये जो बाहर होगा उसको हम लोग एक्सटीरियर बोलते हैं, इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर,
ये बस इतना आपको समझना था। उसके बाद है कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन। तो देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन उसको बोलते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं ये, ठीक है। कॉन्वेक्स में देखो इसका जो डायगोनल्स है ये है और ये है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, उसका डायगोनल्स अंदर की तरफ बनेगा, देखो इस फिगर के अंदर बना डायगोनल्स। कॉनकेव पॉलीगन में क्या होगा, इसमें जैसे यहाँ से ये देखो, ये जो है एक कॉनकेव पॉलीगन है। कैसे पहचानेंगे, जब इसका डायगोनल्स, ठीक है, इसका हम डायगोनल्स यहाँ से ये किए, ठीक है, और यहाँ से इसको देखो एक बाहर की तरफ हो रहा है ना। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, उसका उसका अंदर डायगोनल्स बनता है, ठीक है, और कॉनकेव में क्या होता है, एक उसका कम से कम बाहर डायगोनल्स बन ही जाता है। समझ में आ रही बात है। ये जो था इस तरह से इसका फिगर है, ठीक है, एक तो यहाँ से ये डायगोनल्स बना, एक देखो तो इसके ठीक बाहर से डायगोनल्स बन रहा है ना, तो जिसका बाहर से डायगोनल्स बने उसको हम लोग कॉनकेव पॉलीगन, जिसका अंदर बने उसको कॉनवेक्स पॉलीगन, याद रहेगा ना। अब देखो अगला है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, इसमें जैसे देखो रेगुलर पॉलीगन में इसका जो एंगल है इस सभी के सभी बराबर होना चाहिए, ठीक है, और साथ में इसका जो लाइन सेगमेंट है वो सारे बराबर होने चाहिए, उसको हम लोग रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे, ठीक है। एक और फिगर लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें भी देखो सारे एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, साथ में इसका लाइन सेगमेंट भी इक्वल होते हैं, ठीक है, ये हुआ रेगुलर पॉलीगन। अब इरेगुलर पॉलीगन दिखेंगे, ठीक है, इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन में क्या हुआ, देखो रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल में क्या होता है, ये सारे एंगल तो इक्वल होते हैं लेकिन ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट इक्वल और ये वाला इक्वल होता है, इसमें चारों इक्वल नहीं होता है, उसे क्या बोलेंगे, इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स, मतलब जैसे मान लो पॉलीगन्स का वो मान लो जैसे एक ट्रायंगल देते हैं और उस ट्रायंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगन निकालने का जो मेथड होता है वो बहुत ही यूनिक है, ठीक है। सम ऑफ एंगल ऑफ ए पॉलीगन, मतलब किसी भी पॉलीगन का उसका एंगल का सम निकाल सकते हो इस फार्मूला से। फार्मूला क्या है भाई, कि नंबर ऑफ साइड में से इसको 2 माइनस कर दो और 180 से मल्टीपल कर दो, ठीक है, 180 से मल्टीपल कर दो। जब भी आपको किसी पॉलीगन का सम ऑफ एंगल निकालना होगा तो नंबर ऑफ साइड में से उसको -2 कर दो, उसमें 180 से मल्टीपल कर दो, आपका निकल कर आ जाएगा किसी भी पॉलीगन का सम ऑफ एंगल। जैसे आपको एग्जांपल लेते हैं, ट्रायंगल जानते हो ना, ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसका ये और ये, आपको पता है ना कि एक ट्रायंगल का जो सम ऑफ एंगल होता है वो होता है 180 यानी 180। कैसे, आपको इस फिगर से इस फार्मूला से प्रूव कर देंगे। देखो क्या बोला है, सम ऑफ एंगल ऑफ किसी भी पॉलीगन का सम ऑफ एंगल निकालना होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ साइड उसका काउंट करो, 1 2 3, तीन साइड है ना, तीन साइड, उसमें से 2 माइनस कर दो और इसमें से 180 से मल्टीपल कर दो, 3 में से 2 जाएगा 1 और इनटू 180, ये देखो इतना हो गया, ठीक है, समझ में आया। दूसरा देखो, सेकंड यहाँ पर लेते हैं ये आपको पता होगा ये सबका जो सम होता है इस स्क्वायर का होता है 360। आप इसे प्रूव कर सकते हो कैसे, तो सबसे पहले क्या बोले, नंबर ऑफ साइड, इस पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड कितना, 1 2 3 4, 4 माइनस 2 180, यहाँ से 2 इंटू 180 से मल्टीपल करोगे 360 आ जाएगा। मतलब किसी भी पॉलीगन का निकालना होगा, वो हेक्सागोन हो, ऑक्टागोन हो, चाहे डेकागोन हो, किसी का भी निकालना होगा, सबसे पहले उसका साइड आप गिन लो, साइड लिख करके उसमें से 2 माइनस कर दो, फिर 180 से मल्टीपल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग क्या करना,
कि जो आप लोग पढ़े हो ना, ये वाला पेंटागन को चेक करना, हेक्सागन का, हेप्टागन का आप ट्राई जरूर करना, ठीक है। तो ये था आप लोगों का थ्योरी था। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज 1.3.1 को पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, गिवेन हियर आर सम फिगर्स, आपको फिगर दिए गए हैं, इसमें से क्या करना है, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। आपको नंबर ए में बोला है सिंपल कर्व बताओ इसमें कौन है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन है, पॉलीगन कौन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन है और कॉनकेव पॉलीगन कौन कौन है, ठीक है, ये बताना है। तो नंबर ए क्या बताना है आपको, सिंपल कर्व जो आप पीछे पढ़े हो ना उसी को यूज करके इसको बना देना है, ठीक है। सिंपल कर्व में आपसे हमने बोला था क्या, बोल कर्व का मतलब हुआ कि हमारा जो फिगर है, ठीक है, जब इसको हम बना रहे हैं तो हमारा यहाँ से फिंगर स्टार्ट हुआ ना, ये बनते हुए कभी फिगर उठना भी नहीं चाहिए, ठीक है, और बंद भी होना चाहिए। और साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि वो सर्कल टाइप का नहीं बनना चाहिए। जैसे देखो आपका यहाँ पर सिंपल कर्व में ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवा, ये सातवा और ये आठवा, आठ फिगर है। तो सिंपल फिगर में, सिंपल कर्व में आपको पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा नहीं आएगा। तीसरा क्यों नहीं आएगा, देखो इसको जब हम बनाने जाएंगे, एक बार बना दिए फिर इसको आपका फिगर फिंगर क्या होगा, उठाना पड़ेगा, तीसरा नहीं हो सकता है। पहला होगा, दूसरा होगा, ये चौथा होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसको बनाने जाएंगे कलम मेरा फिंगर तो उठा नहीं, लेकिन देखो कट कर रहा है, तो कट भी करता है तो उस सिंपल कर्व में नहीं आता है, कट भी कर देगा तो सिंपल कर्व में नहीं आता है, यानी प्लेन कर्व में नहीं आता है, तो क्या होगा, चौथा भी नहीं होगा। पाँचवा, पाँचवा होगा, पाँचवा होगा, छठवा भी होगा, छठवा भी होगा और सातवा भी होगा, आठवा होगा क्या, आठवा नहीं होगा। देखो सिंपल कर्व में ये देखो बनने के बाद हमारा कलम यानी फिंगर उठ रहा है, तो फिर आठवा भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो सिंपल कर्व का ये मतलब है, आपको अभी हमने पढ़ाया था ना प्लेन कर्व, प्लेन कर्व और सिंपल कर्व दोनों एक ही हैं। अब देखो सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल और क्लोज भी होना चाहिए, बी नंबर, सिंपल क्लोज कर्व। तो सिंपल क्लोज, तो इसमें देखो तो सिंपल क्लोज, सिंपल तो सिंपल होने के लिए क्या करना चाहिए, हमारा फिंगर नहीं उठना चाहिए, ठीक है, और बीच में कट कुट भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो बात को, ठीक है ना। तो सिंपल क्लोज कर्व पहला हो जाएगा, यहाँ पर लिख लो सिंपल क्लोज कर्व, क्या होगा, पहला होगा, उसके बाद दूसरा भी होगा, कि देखो क्लोज भी है और एक बार जब इस फिगर को बनाने गए तो फिंगर हमारा उठ भी नहीं रहा है और साथ में कहीं कट कुट भी नहीं है, दूसरा भी होगा, तीसरा नहीं हो सकता, ठीक है, तीसरा इसलिए नहीं सकता, क्लोज तो है लेकिन सिंपल कर्व नहीं है, सिंपल में नहीं है, ठीक है, ये चौथा भी नहीं हो सकता, पांचवा हो जाएगा, छठवा भी होगा और सातवा भी होगा, ठीक है। अब सी पॉलीगन, पॉलीगन कौन कौन होगा, पॉलीगन में क्या बताएं आप लोग को, पॉलीगन में बताएं कि सिंपल क्लोज कर्व यानी सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए, ये वाला कंडीशन काम करना चाहिए, साथ में वो लाइन सेगमेंट से बनना चाहिए, लाइन सेगमेंट। तो देखो पहला जो है ये होगा, क्योंकि पहला इसलिए होगा कि ये तो सिंपल कर्व है साथ में ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ठीक है, ये दूसरा, दूसरा होगा क्या, दूसरा भी होगा, लाइन सेगमेंट से बना है और सिंपल क्लोज भी है, दूसरा भी होगा, तीसरा होगा क्या, तीसरा नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, सर्कल है, ये तो लाइन सेगमेंट से बना है लेकिन बीच में कट है, ये भी देखो सर्कल से बना है, लाइन सेगमेंट्स नहीं बना, ये भी लाइन सेगमेंट्स नहीं, ये भी लाइन सेगमेंट्स नहीं और ये भी लाइन सेगमेंट्स नहीं, तो सिर्फ पॉलीगन होने के लिए इसमें पहला और दूसरा होगा। उसके बाद डी कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन में आपको क्या बताएं, कॉन्वेक्स पॉलीगन जो होगा सिर्फ और सिर्फ ये दो नंबर होगा, क्यों, कॉन्वेक्स में आपको बताए हैं कि जब हम इसका डायगोनल्स बनाए, तो देखो इसका डायगोनल्स यहाँ जा रहा है और इसका डायगोनल्स अंदर, यानी अंदर की तरफ हो रहा है,
जब इसमें देखो डायगोनल्स बनाएंगे तो एक तो डायगोनल्स बनेगा, लेकिन एक देखो ये बाहर बन रहा है, यानी ये क्या है, कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव है, तो कॉन्वेक्स के लिए सिर्फ और नंबर दो वाला होगा, ठीक है। डी के बाद ई, कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव में क्या होगा, पहला हो जाएगा, पहला क्योंकि कॉनकेव में उसका डायगोनल्स एक बाहर से होना चाहिए, तो बाहर से है तो पहला हो जाएगा। अभी जो हमने पढ़ा उसी पर इक्वेशन था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। फर्स्ट है कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रेटरल और बी है ए रेगुलर हेक्सागन और ए है सी है ए ट्राइंगल। मतलब कि कॉन्वेक्स क्वाड्रेटरल फिगर बना करके आपको ये बताना है कि इसमें डायगोनल्स कितने हैं, ठीक है। नंबर ए, तो नंबर ए के लिए सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटरल बनाएंगे, क्वाड्रेटरल बोला है तो क्वाड्रेटरल हमने बना लिया, ठीक है। इसका नाम दे दो ए, ये बी और ये सी और ये डी, ठीक है। इसको क्या करना है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का मतलब इसका अंदर डायगोनल्स बनाना होगा, ये हमने अंदर डायगोनल्स बनाए, तो इसमें कितने डायगोनल्स बन रहे हैं, एक और दो, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो डायगोनल्स होंगे, पहला के लिए क्या होगा, दो डायगोनल्स, ठीक है। अगला है ये रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन जानते हो ना, हेक्सागोन मतलब हेक्सागोन का जो फिगर पढ़ाए हैं, ठीक है, वो बनाओ पहले। तो हेक्सागोन ये देखो, यहाँ से एक, ये दो, ये तीन, ये तीन हुआ ना, ये चार हुआ, एक दो तीन चार पाँच हुआ और ये छः हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, पाँच एंगल, छः एंगल, हेक्सागोन में छः होते हैं, ठीक है। इसका डायगोनल्स बनाओ, इससे डायगोनल्स कितने बनेंगे, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसका नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ, इससे डायगोनल बनाओ, ठीक है। डायगोनल बनाएंगे तो सबसे पहले ए का देखते हैं, ए से किसका किसका डायगोनल्स बनेगा, ए से डी जाएगा, ए के डायगोनल्स बनेगा, ए से सी बनेगा, ए से ई भी बनेगा, ठीक है। इससे कितना बने, तीन डायगोनल, ए से तीन। बी से देखेंगे, एक ए बनेगा, एक ए बनेगा और एक ए बनेगा, इससे कितना बना, तीन। अब बनाएंगे सी से, सी से हमारा एक एफ बनेगा, एक ई बनेगा, ठीक है, ये हो गया दो। अब देखो तो डी से हमारा बनेगा क्या, डी से हमारा एक एफ बनेगा, ई वाला, ठीक है, इससे एक बना, और ई से, ई से सब बन गया, एफ से भी सब बन गया, तीन तीन छः और दो आठ और एक नौ, यानी इससे हमारा नौ डायगोनल्स बनेंगे, नाइन डायगोनल्स। इस तरह से आप लोग हेक्सागोन, ऑक्टागोन, डेकागोन पर डायगोनल्स बना बना करके आप ट्राई जरूर करना, ठीक है। आपको बनाने आ रहा है कि नहीं बनाने आ रहा है, ऐसे अच्छे से बनाइएगा, आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। टोटल इससे कितने डायगोनल्स, नाइन डायगोनल्स। उसके बाद एक ट्राइंगल है सी नंबर, ट्राइंगल बनाओ, ये देखो ट्राइंगल, इसका नाम है ए, ए बी और ए सी। डायगोनल्स बनाएंगे तो देखो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल एंगल के सामने होना चाहिए, ये नहीं कहीं भी आप डायगोनल्स बना देंगे, जैसे यहाँ पर डायगोनल्स बनाएंगे तो यहाँ सामने एंगल नहीं है, तो आप इसे डायगोनल्स नहीं बना सकते। सी से चलेंगे, यहाँ भी कोई डायगोनल्स नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर एंगल कोई नहीं है, इससे बनाएंगे यहाँ भी कोई एंगल नहीं है, यानी ट्राइंगल में कोई डायगोनल्स नहीं होता, यानी जीरो डायगोनल्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है, और इन नए बुक में सिर्फ आपको 1 और 2 ही क्वेश्चन पढ़ना है, पुराने बुक में बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ना था, लेकिन अब आप लोगों का नए बुक आ गया है, ठीक है। तो नए बुक में बहुत कम क्वेश्चन पढ़ना है पहले के अकॉर्डिंग, तो आप लोग नए बुक से ही पढ़िएगा, क्योंकि अब आप लोगों का एग्ज़ाम में भी नए बुक से ही क्वेश्चन आएंगे। अभी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे 3.2 में, और जिनको वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में सर्कल में जितना हो सके शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और जिनको ऐप पर लाइव क्लास करना है वो मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं 9619, ठीक है। इस नंबर पर कॉल करके सर से बात कर लेना कैसे मेंबरशिप में ज्वाइन होना है। मैथ का पूरा फी है 499 रुपये, हम पूरा फुल कोर्स, साथ में आपको नोट्स मिलेगा, कोई डाउट आएगा तो डाउट क्लास मिलेगा, ऐसे हम यूट्यूब पर पूरा फ्री पढ़ा रहे हैं। लेकिन जिनको लाइव क्लास करना है वो ज्वाइन हो सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके,
पूरा 100% मैथ कंप्लीट कराया जाएगा। ऐसे हमारा यूट्यूब पर 100% मैथ कंप्लीट करा ही जाएगा, करा ही दिया जाएगा। लेकिन जिनको लाइव रिकॉर्डेड वीडियो के साथ में लाइव और नोट्स और डाउट क्लास ये सारे चीज़ें जिनको चाहिए, इन पर कॉल करके बात कर लीजिएगा, ठीक है।